बाद कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते, आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने, अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस टू नेगेटिव्स, यू हैव एक्सेप्टेड दैट नेगेटिव्स इन लाइफ। कीप द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग, द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग नेगेटिव्स इन लाइफ कैन गिव यू स्टेबिलिटी। किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए। प्रमुख समय हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, मूलभूत कारण द्रौपदी जी ने क्या बोला, अंधे का बेटा अंधा, बराबर सबने ये उत्तर दिया, इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया। पूरी दुनिया ये कहती है, प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है। प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में यह समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां आंधा हूं, मैं तो देखता हूं चाहे वो बोले, ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ। द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था, अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कोई और बोला होता तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम्स, अटैक्स तो चालू रहेंगे, तो एटीट्यूड्स में इस प्रकार की बातें हैं, काम में, संबंधों में। और तीसरे प्रकार के एटीट्यूड्स काम में, परिस्थितियों के। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी रूम छोटा है, स्वामी ने बोला छोटा रूम अच्छा, पावर कम यूज होता है। एक वीक के बाद टोरंटो में थे, 1988 का यह प्रसंग है, रूम बड़ा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा रूम ठीक है, प्रमुख स्वामी बोले हां बड़ा रूम ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कंफर्टेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। अभी विनोद खन्ना ऑफ हो गए, उन्होंने एक प्रसंग लिखा था अमिताभ जी के बारे में कई साल पहले, कि एक बार शूटिंग में जाना था, उनको जरा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, वे आधा घंटा देरी से पहुंचे, और अमिताभ जी अपने जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचे सेट पे। तो ओवर कोट पहनना था, तो उन्होंने वो तो ड्रेसअप हो गए थे, हैट बैट जो शॉट था उसके हिसाब से, बहुत गर्मी थी और पसीना चल रहा था अमिताभ जी के चेहरे पे से, और विनोद जी ने कहा सर आई एम वेरी सॉरी कि सर लेकिन इतनी धूप में आप यहां बैठे हो इतना पसीना। अमिताभ ने कहा कि ओ पसीना, ओ सॉरी, पसीना क्लीन कर दिया। सर आपको ये धूप और ये पसीना नहीं लग रहा है? अमिताभ सेड आई हैव कम हियर फॉर वर्क, नॉट आई एम नॉट अ सेंसर हु कैड गिव लाइक अ थर्मोमीटर व्हाट इज द हीट। मैं यहां काम करने के लिए आया हूं, मैं ये अपेक्षा से नहीं आया हूं कि वातावरण परिस्थिति मुझे अनुकूल हो, जो भी परिस्थिति है मैं तैर करके क्या आया हूं, काम करना है। तो ये धूप और ये पसीना आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है, मैं काम करने आया हूं। तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने गोल से विचलित नहीं कर सकती, इफ यू डिसाइड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। प्रमुख स्वामी महाराज घूमते थे, वो गाड़ी थी पहले फार्गो कार थी, बड़ी कार थी, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते थे। एक साल में 3 एक्सीडेंट हुए उस कार के। सबने कहा कि स्वामी ये कार है ना वो अपशुकन है, वो निकाल देते हैं। प्रमुख स्वामी ने कहा क्यों कि स्वामी 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में। प्रमुख स्वामी ने बोला अपशुकन याल नहीं है, बहुत भाग्यशाली है हम, क्यों 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन एक भी मरा नहीं। सी हाउ यू लुक एट थिंग्स यू एंजॉय लाइफ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इसी विचारधारा से वे स्थिर रहते हैं, और हम लोग हमेशा फरियाद में रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, उसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती है। कितना हुआ उससे आप आनंद लेना। आज के फंक्शन के लिए आपने इनविटेशन 500, 700, 800 को दिया होगा, उसमें से 100 लोग आए हैं, 75 लोग आए हैं। डिस्कस अबाउट 75 प्रेजेंट, डोंट डिस्कस अबाउट 800 एबसेंट, टू एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेमिनार।
डिस्कस अबाउट हु आर प्रेजेंट. एंजॉय तो किया ने, आनंद तो आया ने, कुछ तो मिला ने, प्रेजेंट तो थे, उसकी चर्चा करो ना. और यार उसको तो 3 SMS भेजे थे, वो नहीं आया. नहीं आया ठीक है, उसकी चर्चा क्यों ज्यादा करनी है. जो आए हैं, मिले हैं, बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ पाके जा रहे हैं, उसके चेहरे देख के आनंदित हो जाओ. एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉजिटिविटी इन लाइफ.